एवरीवन के मोनाचो। तो ऐसा लगा कि दी पोप्स एग्जॉर्सिस्ट वही जादू टोना टोटका मौत और पोजेशन वाली हॉरर मूवीज के जैसी है जो हर साल हॉलीवुड से दो या तीन आती रहती हैं। लेकिन जब वाकई कोई हटके कंटेंट आता है तब भी हम एक्साइटेड नहीं हो पाते क्योंकि वे हमेशा एक जैसी लगती हैं। लेकिन दी पोप्स एग्जॉर्सिस्ट पे मेरा ध्यान गया ऑस्कर विनर रसेल क्रो की वजह से जिन्होंने थॉर लव एंड थंडर में ज्यूस का रोल प्ले किया था। तो मैं गया गूगल पे थोड़ी सी रिसर्च मारी तो पता चला कि दी पोप्स एग्जॉर्सिस्ट मूवी इंस्पायर्ड है फादर गैब्रियल अमोरत की वास्तविक फाइलों से जो कि वेंटिकन के चीफ एग्जॉर्सिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 1,00,000 से भी ज्यादा एक्सोसिज्म का प्रदर्शन किया है। और अगर आप ट्रेलर की बात करें तो हाँ एक और फिल्म एक पुजारी के बारे में जो एक राक्षस के कब्जे वाले बच्चे से जूझ रहा है। तो रसेल क्रो दी पोप्स एग्जॉर्सिस्ट को फादर गैब्रियल अमोरत के रूप में लीड करेंगे जिसे एक यंग लड़के के पोजेशन में आने के बाद बुलाया जाता है। लेकिन अमोरत को जो पता चलता है वह एक असाधारण भूत भगाने से कहीं आगे जाता है, एक ऐसा सदियों पुराना रहस्य जिसे वेंटिकन में छिपाने की सख्त कोशिश की गई है। और यही कारण है कि ऐसा लगता है कि ये फिल्म कम से कम दूसरी एक्सोसिज्म मूवीज से अलग होने की कोशिश कर रही है। ट्रेलर देखकर स्टोरी का पता नहीं लगाया जा सकता लेकिन मूवी की कहानी भूत प्रेत पोजेशन मौत के अलावा वो इंडियाना जोन्स डा विंची कोड टाइप मूवीज की तरह अपने सेंटर में बहुत बड़ा रहस्य छुपाए होगी जिसे क्रो का कैरेक्टर मूवी में उजागर करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा ट्रेलर ऐसा दिखता है कि क्रो खुद पर हावी होने जा रहा है और शायद किसी तरह का ईविल सिंहासन ले सकता है। कौन सा वास्तविक या सपना, एक मजेदार समोड़ है। कहने का मतलब है कि दी पोस्ट एग्जॉर्सिस्ट के ट्रेलर ने अपना काम किया, इसने हमें दिलचस्पी दी। आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन दी पोप्स एग्जॉर्सिस्ट 14 अप्रैल को थिएटर में आएगी, जाना न जाना आप पर। आसमान को छू लूं, तितली बन उड़ूं।